मत्ती अध्याय 18। तब यीशु के शिष्यों ने उसके पास आकर पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब यीशु ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे उनके सामने खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जब तक कि तुम लोग बदलोगे नहीं और बच्चों के समान नहीं बन जाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने आप को जो कोई इस बच्चे के समान नम्र बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई ऐसे बालक जैसे व्यक्ति को मेरे नाम में स्वीकार करता है, वह मुझे स्वीकार करता है। किंतु जो मुझ में विश्वास करने वाले मेरे किसी ऐसे नम्र अनुयायी के रास्ते की बाधा बनता है, अच्छा हो कि उसके गले में एक चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। बाधाओं के कारण मुझे संसार के लोगों के लिए खेद है, पर बाधाएं तो आएंगी ही, किंतु खेद तो मुझे उस पर है जिसके द्वारा बाधाएं आती हैं। इसलिए यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तेरे लिए बाधा बने तो उसे काट फेंक, क्योंकि स्वर्ग में बिना हाथ या बिना पैर के अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों हाथों और दोनों पैरों समेत तुझे नरक की कभी न बुझने वाली आग में डाल दिया जाए। यदि तेरी आंख तेरे लिए बाधा बने तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि स्वर्ग में काना होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों आंखों समेत तुझे नरक की आग में डाल दिया जाए। सो देखो, मेरे इन मासूम अनुयायियों में से किसी को भी तुच्छ मत समझना। मैं तुम्हें बताता हूं कि उनके रक्षक स्वर्ग दूतों की पहुंच स्वर्ग में मेरे परम पिता के पास लगातार रहती है। बता, तू क्या सोचता है? यदि किसी के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह दूसरी 99 भेड़ों को पहाड़ी पर ही छोड़कर उस एक खोई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा? वह निश्चय ही जाएगा, और जब उसे वह मिल जाएगी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तो वह दूसरी 99 की बजाय जो खोई नहीं थी इसे पाकर अधिक प्रसन्न होगा। इसी तरह स्वर्ग में स्थित तुम्हारा पिता क्या नहीं चाहता कि मेरे इन अबोध अनुयायियों में से कोई एक भी न भटके? यदि तेरा बंधु तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो अकेले में जाकर आपस में ही उसे उसका दोष बता। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने बंधु को फिर जीत लिया, पर यदि वह तेरी न सुने तो दो एक को अपने साथ ले जा, ताकि हर बात की 2-3 गवाही हो सके। यदि वह उनको भी न सुने तो कलीसिया को बता दे, और यदि वह कलीसिया की भी न माने तो फिर तू उससे ऐसे व्यवहार कर जैसे वह विधर्मी हो या कर वसूलने वाला हो। मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में प्रभु के द्वारा बांधा जाएगा, और जिस किसी को तुम धरती पर छोड़ोगे स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। मैं तुझे यह भी बताता हूं कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई 2 सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगेंगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा, क्योंकि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी के रूप में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूं। फिर पतरस यीशु के पास गया और बोला, प्रभु, मुझे अपने भाई को कितनी बार अपने प्रति अपराध करने पर भी क्षमा कर देना चाहिए? यदि वह 7 बार अपराध करे तो भी? यीशु ने कहा, न केवल 7 बार, बल्कि मैं तुझे बताता हूं, तुझे उसे 7 बार के 77 गुना तक क्षमा करते रहना चाहिए। सो स्वर्ग के राज्य की तुलना उस राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से हिसाब चुकता करने की सोची थी। जब उसने हिसाब लेना शुरू किया तो उसके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिस पर 10,000,000 रुपया निकलता था, पर उसके पास चुकाने का कोई साधन नहीं था। उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उस दास को उसकी घरवाली, उसके बाल बच्चों
और जो कुछ उसका माल असबाब है सब समेत बेचकर कर्ज चुका दिया जाए। तब उसका दास उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, धीरज धरो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। इस पर स्वामी को उस दास पर दया आ गई, उसने उसका कर्जा माफ करके उसे छोड़ दिया। फिर जब वह दास वहां से जा रहा था तो उसे उसका एक साथी दास मिला जिसे उसे कुछ रुपये देने थे। उसने उसका गिरहबान पकड़ लिया और उसका गला घोटते हुए बोला, जो तुझे मेरा देना है लौटा दे। इस पर उसका साथी दास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, धीरज धर, मैं चुका दूंगा। पर उसने मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे तब तक के लिए जब तक वह उसका कर्ज न चुका दे जेल भी भिजवा दिया। दूसरे दास इस सारी घटना को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो कुछ घटा था सब अपने स्वामी को जाकर बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, अरे नीच दास, मैंने तेरा वह सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझसे दया की भीख मांगी थी। क्या तुझे भी अपने साथी दास पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी जैसे मैंने तुम पर दया की थी? सो उसका स्वामी बहुत बिगड़ा और उसे तब तक दंड भुगताने के लिए सौंप दिया जब तक समूचा कर्ज चुकता न हो जाए। सो जब तक तुम अपने भाई बंदों को अपने मन से क्षमा न कर दो, मेरा स्वर्गीय परमपिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा।